हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बजे का। आज का व्लॉग मैं थोड़ी लेट से स्टार्ट कर रही क्योंकि आज सारा काम बहुत लेट से हुआ है। आज हमारे दुर्ग में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मॉर्निंग में 8 बजे से ही बारिश हो रही थी जो कि 10 या फिर 11 बजे बंद हो गई है, और अभी तो धूप निकल गई है। बारिश होने की वजह से मेरे हस्बैंड भी घर से बहुत लेट गए, हमारी मेड भी बहुत लेट आई, और जिसकी वजह से काम भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। बारिश की क्लिप मैं अभी आगे ब्लॉग में लगा दूंगी, तो फिर आप लोग भी देख लेना कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी मॉर्निंग से। एंड अभी धूप ऐसी निकल गई है जैसे पता ही नहीं चला कि बारिश हुई भी थी या नहीं। एंड गाइस, मैं आप लोगों को सोफी से मिलवाती हूँ कि सोफी क्या कर रही है। एक्चुअली क्या है ना कि सोफी इतने टाइम से हमारे रूम पे रहती थी, तो अब वो बाहर निकलने लगी है, तो उसको गैलरी में ही रहना अच्छा लगता है। वो अंदर आने को ही नहीं करती, उसको जबरदस्ती अंदर लेके आना पड़ता है। बट अभी मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, इसीलिए मैंने गैलरी का गेट ओपन करके रखा हुआ है, जिससे कि सोफी बार बार अंदर आ भी सकती है और बाहर जा भी सकती है। पहले तो उसे सिर्फ सीढ़ी चढ़नी आती थी, उतरनी नहीं आती, जिसकी वजह से वो नीचे तो जा ही नहीं सकती थी। और अगर ऊपर चली भी जाती थी ना, तो वहाँ से वो रोने लग जाती थी, वो नीचे नहीं आ पाती थी। बट अभी 3 दिन हो गए, वो आराम से चढ़ भी जाती है सीढ़ियों पर और सीढ़ियों से उतर भी जाती है। तो मैंने ना उसके लिए एक जुगाड़ बना दिया, जिसके कारण ना वो सीढ़ियों से नीचे नहीं जा पा रही। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। तो गाइस, यहाँ पर है हमारी सोफी, जो कि आप देख सकते हो कि ये वाली सीढ़ियों पे वो आराम से सो रही है। और जो हमने दरवाज़ा लगाया था, उसका सीट बचा हुआ था, जो कि आप देख सकते हो कि ये है सीट, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। तो सोफी को लग रहा है कि यहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है, इसलिए वो इसके आगे नहीं जा पा रही है। बट थोड़े दिन में उसको समझ आ जाएगा कि ये दरवाज़ा नहीं है, और शायद इसे धक्का मार के आगे चली जाए। बट अभी के लिए तो इसको ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि सोफी कितनी आराम से सो रही है, बहुत गहरी नींद में। तो गाइस, अभी सोफी के खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है, इसलिए वो आराम से सो रही है। जैसे ही उठेगी ना, उसे इतनी ज़्यादा भूख लग जाएगी, सबसे पहले वो अपने खाने वाले बर्तन पे जाती है और अपना खाना ढूंढने लग जाती है कि उसको मिला है कि नहीं मिला है। एंड बाहर भी आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी वाली धूप निकल गई है। मॉर्निंग में ऐसा मौसम हो रहा था कि दिन भर ही बारिश होने वाली है, बट 10 या 11 बजे के बाद बारिश पूरी तरीके से बंद हो गई। इस चक्कर में ना हमारे कपड़े ही नहीं धुले, काश धुल जाते तो अभी धूप में सूख भी जाते हैं, बट कोई नहीं, कल धुल जाएंगे। एंड गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे फेस पे बहुत पेनफुल वाला पिंपल हो गया है, तो आप देख सकते हो कि अभी थोड़ा सा रेड रेड आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कल इतना बड़ा पूरा स्वेलिंग हो गया था, यहाँ पर भी स्वेलिंग हो गया था, और वो इतना पेनफुल, जो नॉर्मल पिंपल होते हैं वो इतने पेनफुल नहीं होते, बट जो अंदर से जो स्वेलिंग वाला पिंपल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मुझे पहली बार ऐसा गंदा वाला पिंपल हुआ, अदरवाइज पिंपल तो होते हैं बट इतने पेनफुल नहीं होते। तो मैं जल्दी जल्दी से अपने किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं सोफी के साथ खेल रही थी। सोफी को मैं जंप करना सिखा रही हूँ। जब मैं किचन पे गई और मैंने किचन से पर्दा हटाया, तो मैंने देखा कि खिड़की के बाहर मेढक बैठा हुआ था। मैंने फर्स्ट टाइम मेढक को इतने पास से देखा कि मेढक होता कैसा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे घर के आसपास इतने सारे प्लॉट्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आसपास मेढक, सांप की मौसी और भी बहुत सारे चीज़ घूमते रहती है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय गाइज़।